थैंक यू सो मच टेरी चक्कर और उनकी सारी टीम, सारे व्यूअर्स को, सभी सब्सक्राइबर्स को मेरा नमस्कार एंड बहुत बड़ा जादू के जप्पे। अदालत मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल शो है मेरे करियर का, क्योंकि मुझे मौका मिला एक मेरे फेवरेट एक्टर मिस्टर रोमित राय के साथ काम करने का। मैं हमेशा से यही सोचता था कि उनके साथ काम करना कैसा अनुभव होगा, मुझे कब मौका मिलेगा मेरे करियर में, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे विश लिस्ट में था कि मुझे इनके साथ काम करना है। तो अदालत ने मुझे वो एक अपॉर्चुनिटी दी उनके साथ वक्त बिताने की, उनके साथ काम करने की। मैं बहुत 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 खुश हूँ और मेरी एक्साइटमेंट लेवल सुबह से ही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक स्कूल का बच्चा हूँ एंड यू नो एक बच्चे की तरह मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फॉर्चुनेटली मेरे जो पहले जो दो शोज़ मैंने किए थे घर की लक्ष्मी बेटियाँ और मायका, ये दोनों सीरियल्स भी 400 एपिसोड्स के ऊपर कंप्लीट हुए थे। तो मैं बहुत बहुत खुश, मुझे खुशी है इस बात की कि अदालत ने भी 400 एपिसोड्स पूरे किए हैं एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि ये शो में मुझे लोग पसंद कर रहे हैं। केडी वरुण की जो जोड़ी है लोगों को बहुत अच्छी लगती है एंड मैंने इतना कुछ सीखा है इस शो से और मिस्टर रोमित राय से, दादा से मैंने इतना सीखा है ऑफ कैमरा ऑन कैमरा बोथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने उनकी हर बात मुझे हर दिन, मुझे जब मैं घर जाता हूँ तो मेरे माता पिता पूछते हैं मुझसे कि आज तुमने क्या सीखा, क्योंकि मैं उनसे जाके डिस्कस करता हूँ जो भी मुझे दादा बताते हैं। तो हर एक दिन एक ना एक ऐसी एक लाइन ज़रूर वो कहते हैं मुझसे जो मैं मेरे जहन में रह जाती है एंड उनकी सबसे एक फेवरेट लाइन मुझे अच्छी लगती है कि बूंद बूंद से सागर बनता है रोमित, तो आप अपना काम करते चलो, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट कुछ हो जाता है। किसी भी चीज़ के लिए, आपको पाने के लिए हर दिन मेहनत करनी पड़ती है और अगर आप एक इंसान को अगर आप एक ऊंचाई पर देखते हैं तो वो ओवरनाइट नहीं हुआ है, उस वो एक इट्स बिन अ जर्नी। सो वैसे ही मैं एक एक्टर के तौर पे अगर मैं कहूँगा तो ऐसा लोग कहते हैं, ऐसे एक्टर्स मेरे फेलो एक्टर्स को एक्टर्स कहते हैं कि 3 साल में तुम्हें बहुत डिफरेंस आया है, तुम एक इवॉल्व हुए हो एज एन एक्टर एंड मैं उसका श्रेय रोमित दा को देना चाहूँगा। हाँ डेफिनेटली, कभी कभी जैसे अभी मैं अदालत कर रहा हूँ तो मुझे बाहर से शोज़ के ऑफ़र्स आते हैं तो मैं दादा से डिस्कस करता हूँ कि यू नो ये शो मुझे ऑफ़र हुआ है, मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, करियर वाइज विल दिस बी अ गुड डिसीजन और नॉट। तो उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो सच बोलते हैं, वो ये नहीं कहेंगे कि अरे रोमित को ख़राब लगेगा या मैं रोमित को खुश कहने के लिए कहता हूँ, नहीं, ही कॉल्स अ स्पेड अ स्पेड। अगर रोमित दा की अगर आप ओपिनियन लेना चाहेंगे तो आपको फिर तैयार होना होगा कि वो मीठी बात, अगर आपको गलत बात कभी नहीं कहेंगे, वो एकदम सीधा कहेंगे। अगर वो आपको बात सही नहीं भी अगर होगी, अगर आप कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि यार ऐसा क्यों कह दिया दादा ने, तो वो दादा ने आपके भलाई के लिए कहा है। मैं टेली चक्कर के सारे व्यूवर्स को कहना चाहूँगा कि वेरी वेरी बिग थैंक यू, आप लोग मुझे पसंद कर रहे हैं वरुण के किरदार में, मुझे आपके सारे मैसेजेस मिलते हैं, आप लोग के सारे फीडबैक्स मैं देखता हूँ और जितने भी रिपोर्टर्स हैं टेली चक्कर के, आप लोग ने अब तक 400 एपिसोड्स तक जितना भी मुझे कवर किया है बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप ही के थ्रू मैं अपने फैंस के साथ इंटरेक्ट कर सकता हूँ।